नमस्कार दोस्तों, मेरा अगला विषय है सन और पोर्टल्स डायमेंशंस। बहुत लोग को शायद पता है या पता नहीं है कि सन ही वर्ल्ड वाइड वेब यानी www यानी इंटरनेट का आविष्कार जो है वो सन में ही हुआ था। ओके, टॉमी ली कुछ तो नाम था उसका, बर्न्स की कुछ तो नाम था, उसने आविष्कार किया सन में। और सन में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होते आए हैं, और सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 3-4 साल पहले, जिसको मीडिया ने काफ़ी कवर किया, बोला गया कि भगवान पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल को ढूंढने के लिए सन एक्सपेरिमेंट किया। तो बहुत लोग का ये डाउट है कि एक्चुअली सन कर क्या रहा है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि बेसिकली सन वांट्स टू मैनिपुलेट या लोगों के माइंड में घुस के लोगों को कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहती है। वो कैसे? सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो एक कोई गॉड पार्टिकल या फॉट पार्टिकल ढूंढने के लिए नहीं था। बेसिकली सन एक अलग ही डायमेंशन, एक्स्ट्रा डायमेंशन जो हम बोलते हैं, वो खोलने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने खोल भी दिया। तो ये बात खुद सन के जो डायरेक्टर हैं, सन के जो मतलब साइंटिफिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही कहा था 2009 में कि हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उससे हम शायद एक एक्स्ट्रा डायमेंशन खोल दें। तो वो हुआ है, क्योंकि उसी की वजह से मंडेला इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और काफ़ी कुछ बदला नज़र आ रहा है धरती पे। तो सन ये कैसे किया? तो बेसिकली इसके लिए मुझे थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, तो गौर दीजिएगा। उन्होंने यूज़ किया क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटर की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, कंप्यूटर की भाषा में सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बिट्स एंड बाइट्स में होता है। बिट यानी शून्य और एक, 0 and 1। सो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा जो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, वो मशीन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, वो होता है 0 and 1। क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसा स्टेट है या ऐसा कंप्यूटर है जो क्यू बिट्स का यूज़ करता है, बिट्स को नहीं, क्यू बिट्स को। बिट्स में क्या होता है कि आइदर आप 0 स्टेट में हैं या 1 स्टेट में हैं, ठीक है। अब इसके मैं आम आदमी के भाषा में बताऊं, मान लीजिए आपके सामने 7 पहाड़ हैं, ठीक है। आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा पहाड़ आपको चढ़ना है, कौन सा पहाड़ आपको उतरना है, कौन सा ये है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली आपको, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसा क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली बी, यू कैन मेजर ऑल द माउंटेंस, मतलब सारे पहाड़ कैसे आप मतलब चढ़ सकते हैं एक ही टाइम पे, अलग अलग टाइम पे नहीं। अगर आपको नॉर्मली आपको मेजर करना है तो एक पहाड़ चढ़ना है, दूसरा पहाड़ उतरना है, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ना है, या तीसरा पहाड़ फिर उतरना है, फिर तीसरा पहाड़ चढ़ना है। दैट इज़ द ओनली वे नॉर्मल मेथड में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक ही बार में आप सारे पहाड़ चढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग, जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा रहा है, ओके, उसका एग्ज़ाम्पल है डी वेव, सन, और ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है।
ज़ीरो वन और ज़ीरो वन का सुपर इम्पोजिशन, सारे स्टेट्स एक ही साथ एक ही टाइम पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसके लिए कंप्यूटर जो है वो ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर नहीं हो सकता, उसके लिए उनको क्या चाहिए, सुपर कंडक्टर चाहिए। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स विप्स हैं उसके अंदर सुपर कंडक्शन चाहिए, ठीक है। अब ये सुपर कंडक्टर क्या है, सो इतने सारे टेक्निकल टर्म्स हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो करंट आपका पास करता है, मतलब करंट आपको ले जाता है और उसमें कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। टेस्ला भाई साहब ने इसी के बारे में ज़िक्र किया था 30s 40s में, ठीक है, टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने। तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि आप कोई भी मेटल लीजिए, कोई भी मटेरियल लीजिए, एक टेम्परेचर मतलब एक तापमान के नीचे तक अगर आप उसको ले जाएं उस मेटल को, और उसके अंदर अगर आप करंट डालें तो वो करंट आराम से पास होगा, मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपका घर में जो पावर आता है, करंट आता है, ठीक है, बिजली जो आती है वो वायर से आती है, और वायर क्या करता है, उस करंट को रेसिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है। इसलिए आपके घर को आते 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 करंट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वायर जो हैं वो कंडक्टर, जो कंडक्शन हम जो बोलते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। और वो इसके वजह से क्या होता है कि जितना पावर हम उत्पात करते हैं, मतलब कि जितना पावर हम जनरेट करते हैं पावर स्टेशन में, उतना पावर घर को नहीं पहुंचता, इसलिए बीच में सबस्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स, ये वो सब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे, सॉरी सुपरकंडक्टर यूज़ करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। सुपरकंडक्टर मतलब आपको उसको लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन में एनकेस करके करना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज इसके ऊपर शोधन रिसर्च कर रहे हैं। तो इन मटेरियल से क्या होगा कि आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है, वो क्वांटम कंप्यूटर आपको हज़ार गुना या लाख गुना ज़्यादा पावर देगा। अब नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक पहाड़ आपको मेजर करके देगा एक टाइम पे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कंप्यूटर जो है जो हमें राज करने वाला है आगे आने वाले समय में, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। तो सर्न वालों ने क्या किया, इस क्वांटम कंप्यूटर, हमें तो नहीं बता रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर, हमें तो बता रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आएगा, कुछ टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे, अभी तो बस रिसर्च चल रहा है। तो ये तो ऑफकोर्स आम आदमी को बेवकूफ़ बनाना है। ऑलरेडी वो बहुत आगे चले गए हैं, और उस क्वांटम कंप्यूटर से उन्होंने क्या किया, दे हैव कॉन्टैक्टेड, मतलब उन्होंने शैतान और उसके बाशिंदे, उनके दोस्तों सबसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। पहले शैतान और उनके लोगों से कॉन्टैक्ट करने के लिए तंत्र, ब्लैक मैजिक का यूज़ होता था, ठीक है, उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। लेकिन अभी थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर्स, थ्रू एटम्स, न्यूक्लियस, पावर ऑफ एटम, उससे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पोर्टल खोल सकते हैं, एक ऐसा गेट खोल सकते हैं जिससे आप दूसरे डायमेंशंस, मतलब अभी हम तीन डायमेंशन के धरती पे हैं, तो चौथा, पांचवा, छठा जो भी डायमेंशन है, उन डायमेंशन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, सन 8 डायमेंशन दुनिया को कॉन्टैक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो चाहता है या ऑलरेडी कर रहा है केम ट्रेल्स और बाकी बहुत सारे चीज़ों से कि आपका जो पूरा एटमॉस्फियर जो है वो हमारा जो धरती है उसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रिक हो जाए और पूरा इंटरनेट हो जाए और पूरा वेब इथरनेट हो जाए, जिससे कि आपका माइंड को प्रोग्राम करें, आपको एक गुलाम बना के रखें। इसके बारे में मैं और बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।